Okay, Sunita. See you after the college. Bye. Bye. Hi, Meena. Hello. Hello. Hi. Hi. Oh, Her Majesty the Beauty Queen has arrived, yaar. Hi, Ram Jane. ये जैकपॉट किसकी किस्मत में लिखा है? चौंपी से ली। जी हाँ, इस तरह लड़कियों को छेड़ते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या मतलब? बनिए मत, ये फूल आपकी बदतमीजी का सबूत है। आप कहना क्या चाहती? यही कि आपके दो फेंके हुए फूल तो मैंने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आइंदा ऐसी बदतमीजी की तो फूल का जवाब पत्थर से मिलेगा। देखिए, ना तो मुझे लड़कियों पे फूल चढ़ाने की आदत है न फुर्सत। अगर खामखाई गले पड़ना तो जाइए, इस कॉलेज में काफी लल्लू पंजू है, वहीं जाके आजमाइए। How dare you? मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जरूर कीजिए। मेरा नाम कमल भटनागर है, MSc फाइनल। और साथ में ये भी जरूर कहिएगा कि मैंने आपको एक थप्पड़ भी मारा। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? Of course। तुम मेरी पढ़ाई में मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, चले जाओ नहीं तो एक रख के दूंगा। You idiot! जय हो महाराज। अच्छा आप हैं? यार दरअसल फूल चढ़ाने के लायक तो तुम हो। अपने कॉलेज का सबसे नया और खूबसूरत पंछी आया और तुमने उसे उड़ा दिया। अच्छा तो ये बदतमीजी आप कर रहे थे? अरे बदतमीजी? हमारे हजूर, हमने तो उनके ऊपर फूल फेंके, उनकी पूजा की महाराज। पूजा करनी थी तो उसके सामने करनी थी, मेरे पीछे छुप के मुझे क्यों फंसा? यार इसलिए कि तुम्हारे सामने अपना कोई चांस नहीं, तुम तो कॉलेज के हीरो हो। हीरो सारा स्टडीज, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब में एकदम टॉप, मगर एक ही बात की कमी है, तुम क्या ना फंसना जानते हो और ना फंसाना। सुरेश, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। कॉलेज तुम्हारे लिए एक तफरी की जगह होगी, लेकिन मेरे लिए जिंदगी की जद्दोजहद की बुनियाद है। ए कमल, यार तुम तो खामखा सीरियस हो गए। गुड लक। ओए रीता, उल्लू का पट्टा। वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, इसमें उल्लू का पट्टा कहाँ से आ गया? मैं उस कमल के बच्चे की बात कर रही हूँ। छोड़ ना, भूल जा उसे। मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। क्या बात है, पहली मुलाकात में ये हाल है? क्या कहा? तू बड़ी लकी है यार। कमल भटनागर से बात कर लेना कोई मामूली बात है? वो तो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं, एक दिन वो मेरी जूतियों की तरफ देखेगा। वो तुम सबका हीरो है ना? साले को जीरो नहीं बना तो नाम बदल देना। मैं अभी से बदल देती हूँ, मिस्टर सुनीता भटनागर। व्हाट? मिस्टर भटनागर की पत्नी? क्या कर रही है? ठीक कर रही है। क्या बोला? नहीं बोलो। सॉरी 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 सॉरी। बात कर दी। बात कर दी। क्यों? अभी सिर्फ मिस मिसेस बनने के लिए थोड़ा टाइम है। क्या बोला? ओह नो, ओनली मिस। दैट इज बेटर। कर चुकी हूँ, कोई सुनता ही नहीं। हम लोग अंधेरे में नहीं रह सकते, हमको डर लगता है। न ठीक से लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। इट्स नॉनसेंस, इट्स राइट, वी मस्ट डू समथिंग, अदरवाइज वी गोट स्टक। ओके ओके गर्ल्स, टेक इट इजी। आया, हर कमरे में एक एक कैंडल जला के रख दो। ओके मैडम। गर्ल्स प्लीज, आज की रात कैंडल से काम चला लो, कल हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। आज की रात कैंडल से चला लो। अगर आज मैं ये कह दूं कि ये फूल तुम्हारी बदतमीजी का सबूत है तो? तुम यहाँ तक पहुँच गए, गर्ल्स हॉस्टल में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर गलत फहमी, मैं तुम्हारे पीछा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं,
एक बात और सुन लो, मैं यहाँ पर हूँ अपने प्रिंसिपल के ऑर्डर से और तुम्हारी सुपरिटेंडेंट की इजाजत से। हाँ, तुम्हारी कल की गलतफहमी दूर किए देता हूँ। कल जिसने तुम पर फूल बरसाए वो मैं नहीं, सुरेश उसका नाम है, जयराम जी की। ये सुरेश कौन है? वही अपने कॉलेज का रोमियो जो हमेशा लड़कियों को छेड़ता रहता है। इसका मतलब है मुझसे गलती हो गई। बिल्कुल, क्यों कुछ पता चला? पता चल गया साहब, तारों में जॉइंट ढीले हैं। हाँ, इसलिए लोड ज्यादा होने से स्पार्क पैदा होता है। तू ऐसा क्या कर हुआ? कुछ पता चला? पता चल गया बड़ी बहन जी, हमें आपकी लाइन बदलनी पड़ेगी। क्या? हाँ, लाइन बदलनी पड़ेगी। जी मेरा मतलब है यहाँ से लेकर कमरों तक नई वायरिंग करनी पड़ेगी। कल हुआ तो ऐसा कर, तू जाके वायरिंग ले, पकड़ मुझे दे जा। पकड़ सर, साफ 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 साफ। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी तेरी तेरी मेरी क्या दुश्मनी थी देवी जी? क्या हुआ? होना क्या है, मेरे लालू तेरी मोटर के नीचे और तेरी मोटर मेरे लालू के ऊपर आ गई है। हाई स्कूल मर्डर। ये देखो मेरा प्यारा लालू, मेरा प्यारा मुर्गा शहीद हो गया। एक मामूली मुर्गे के लिए इतना चिल्ला रहे हो? आप इसे मामूली मुर्गा कह रही मेम साहब, इसके मरने से मेरी 40 मुर्गियां विधवा हो गई, मैं विधवा हो गया, मेरे बीवी बच्चे विधवा हो गए और मरने वालों का मुझे पता नहीं है। तुम चाहते क्या हो? ऐ करो, तुझे मेरे मुर्गे में जान डाल दो। मैं नहीं डाल सकती। ओहो, तो निकाल तो सकती हो। आप अपनी जेब से माल निकालो, मैं फड़ के अपनी जेब में डालूंगा, वरना मैं कत्ल के केस में 302 में आपको अदालत में घसीट लूंगा। बाबा जी, बाबा जी, जानवर के केस में 302 नहीं होता। ओहो, तो सब कट कर लो, 202 में फैसला करते हो, निकालो। ठहरो, तुम जाओ। हाँ, तुझे चलो, चंगे वाले बाबू जी आ गए, मर्दा निकल है। हाँ जी बोलो। पापा जी शर्म कर यार, तू साड़ी जेब गर्म कर। करूं? हाँ। इस तरह यार तेरी शक्ल पहचानी नहीं लगती। ओ बादशाह, तू साड़ी क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं हो? पहले भी दसिया झगड़ा ही रहता। ओ बादशाह, और मुर्गे ला जाओ, अंडे ला जाओ। है नमस्ते चांद बाबू। आओ कमल, क्या फिर स्लाइड रोल के लिए आए हो? जी हाँ, 3 बार पहले भी तुम आ चुके हो, लेकिन इस बार हम पैसे पूरे लाए। ये बात है, फॉर्म पैक कर दो और ये रहे 125। लेकिन कीमत इस बार 175 रुपए है। 15 दिन में? यहाँ एक रात में टैक्स बढ़ जाते हैं कमल, तुम 15 दिन की बात कर रहे हो? सुनो, ये तुम रख लो, बाकी पैसे बाद में दे देना, फिर कभी आऊंगा। ले लो। डॉली आओ, मेरे गले से लग जाओ, देर मत करो। देखो, तुम तो जानती हो ना कि साहब हम दोनों को इकट्ठा देख के कितना जलते हैं, मालूम है ना? सुनो, इस वक्त मच्छर कहाँ से आ गया? डॉली अभी देर मत करो, वरना कोई और आ जाएगा। प्लीज हरी अप। कौन है बे? साहब। हाँ, तेरा साथ, तेरा इधर देख, क्या कर रहा है? साहब मैं वो क्या कर रहा था? एक पिक्चर देखी थी ना, उसके सीन की रिहर्सल कर रहा था। जब देखो दिमाग में फिल्म घुसी रहती है। लॉन्ड्री से मेरे कपड़े लाया था? ले भी आया, दे दिया है। मेरी पैंट धोई? धोई थी। पॉकेट देखे? पॉकेट देखे थे, एक गंदा रुमाल था उसे भी धो दिया। और ये 1 रुपया, और ये 1 अठन्नी, और बटन थे। अच्छा चल, 1 अठन्नी तू रख। साहब इसे भी रख लेता हूँ, एक और फिल्म देख लूंगा। बदमाश कहीं। एक प्याली गरम गरम चाय फटाफट अभी लेके आया। मैं चला, मैं चला, चाय लेने चला। तेरी जी। एक पुरुष आया था। अच्छा, आपकी बात कर लिया। थैंक यू सर। एक छोटी सी भेंट उसकी तरफ से, जिसकी गाड़ी के नीचे मुर्गी आ गई थी। अरे आ? ये क्यों भेजा तुमने? इसलिए कि आपको इसकी जरूरत थी। तुम्हें कैसे मालूम? आप जिस दुकान पर खरीद रहे थे ना, मैं भी वहीं थी, लेकिन आपने मुझे देखा नहीं। ओ, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझ पर यह मेहरबानी करके मेरी गरीबी का मजाक किसने उड़ाया? सुना आप काफी अमीर बाप की बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों की मजबूरी खरीदना आपकी हॉबी हो? आपने मुझे गलत समझा, मैंने 2 मरतबे आपके साथ बुरा सलूक किया था, इसलिए माफी मांगना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक छोटी सी भेंट के लिए
इतनी बातें सुननी होगी। सुनीता, सुनीता, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। I'm sorry, I'm really sorry. दिल से कह रहे हो? अगर आप सचमुच मुझे हर्ट नहीं करना चाहते तो इसे रख लीजिए। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भूलता, उनमें से एक है। तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा। थैंक यू। अरे, मुझे तो टिकट लेने जाना था। कौन से पिक्चर की? पिक्चर की नहीं, ट्रेन की। ट्रेन की? पिताजी की चिट्ठी आई गांव से, जमीन का झगड़ा है। कौन से गांव के हैं आप? चंदनपुर, शायद तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा। यहाँ से 3 घंटे ट्रेन का सफर है और 2.5 घंटे बस का। तो इसका मतलब है 150 मील होगा? हाँ, इतना तो होगा। हो सकता थोड़ा सा ज्यादा भी हो, लेकिन अगर ट्रेन लेट हो जाए तो बस छूट जाती है और दूसरी बस के लिए 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद। लेकिन इतना वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अगर मैं आपको 3 घंटे में पहुंचा दूं तो? कैसे? कार से। रिफ्यूज करने से पहले सुन लीजिए, मैंने हिंदुस्तान का हर बड़ा शहर देखा है, गांव देखने की बहुत ख्वाहिश है, इसी बहाने मैं भी देख लूंगी। एक नया एहसान करने का एक और नया बहाना। हाँ, बिलीव मी, मुझे गांव की सैर करने का बहुत शौक है। प्लीज बिलीव मी। यू आर बिलीव्ड सोनू। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अरे, पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? टैंक तो फुल था। इसका मतलब कुछ और गड़बड़ है। मिल गया। क्या? वो जो पत्थर उछल कर लगा था ना, उससे टांकी में छेद हो गया। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, गाड़ी बंद करो, पैदल चलो। पैदल? सुनो सुनो, कहाँ तक जाना होगा? यही कोई 6-7-8-9 मील। 6-7-8-9? 10 भी हो सकता। ओह नो। हाँ, और भी मशीन का मामला। तुम ऐसे करो, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, कार चला लो, मैं पेट्रोल और मैकेनिक का बंदोबस्त करके आता हूँ। हाँ, तुम तो बड़ी डरपोक निकली। ये जी किस लिए? तुम्हारे तौलिए पर तो ऐसा होना चाहिए था। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपकी नजरें बहुत तेज हैं। चलो जी फॉर गॉड समझ कर सर पहुंच लेते हैं। बारिश तो बढ़ती जा रही। इस बार तुम डरी नहीं? इस बार मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन उस बार एक बहुत प्यारी सी बात होगी, तुम मुझे तुम कह गई। उस वक्त मैं डरी हुई थी, बिना सोचे समझे कह गई, लेकिन अब एहसास हो रहा है आप कितना दूर ले जाता है और तुम कितना पास ले आता है। पास आना अच्छा है या दूर जाना, तुम ही बोलो ना। तुम क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूं तुम इस वक्त नहीं दे सकते। क्या? सच सच बोलो। गरम गरम प्याला चाय का।
पीते क्यों नहीं? लेडीज फर्स्ट। बेटा जीते रहो। अरे तुम तो कल आने वाले थे, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई इसलिए गाड़ी बदलनी पड़ी। अरे ये कौन है? ये सुनीता है बाबूजी, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती। नमस्ते। इसे घाव देखने का बड़ा शौक था इसलिए मैंने साथ अच्छा चली आई। बहुत अच्छा किया। खानदानी टोट का जबर हाथा सत्यानाश कर दिया। ओ ठंडू, ठंडू राम चिल्लाए ऐसे रहे हैं जैसे ठंडू कठमंडू चला गया। आता हूँ। कहाँ मर गया जाके? क्या है मालिक जी? कमल बाबू आप कैसे हो ठंडू? अजी मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, लेकिन आप चुपचाप एक से दो हो गए ये खुश। ये हमारे मेहमान है, जल्दी से जाके सामान निकालो। अजी आप ऊंचा बोलकर मेरा कलेजा मत निकालिए, मेरा बाप बहरा था मैं नहीं हूँ। आप ऊंचा मत बोलिए। ठीक है जाओ। ये नहीं बदला अभी तक। कमल बेटा जी ये तो बता, ये सुनीता तेरी क्लास में है ना? हो बाबू जी, फर्स्ट ईयर में, मुझसे बहुत जूनियर है। तो फिर ये तुम्हारी जान पहचान? बस ऐसे ही हो गई, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ना। मैं कुछ और ही समझा था। क्या? शायद तुझे पसंद है और मुझे दिखाने लाया। नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन लड़की है बहुत अच्छी, मुझे तो बिल्कुल ऐसी बहू चाहिए। तो सुनीता का ख्याल छोड़ दीजिए बाबूजी, वो एक लखपति बाप की बेटी है। शादी ब्याह के मामले में पैसा नहीं खानदान देखा जाता है, और लड़की का बाप लखपति हो या करोड़पति बस इतना ही चाहता है कि उसकी बेटी को पति अच्छा मिले। पति अच्छा मिले? किसकी शादी की बात चल रही है? बेटी मैं कमल से कह रहा था कि आदमी की घर गृहस्थी जितनी जल्दी बस जाए उतना ही अच्छा है। ये तो है, होना भी चाहिए। अब देखो ना, तुम्हारी पढ़ाई के बाद तुम्हारे पिताजी को भी यही चिंता होगी। हाँ ये तो है। शर्म आ गई। ये तो है, ये तो है। क्या सोच रही हो बेटी? जी मैं पहली बार गांव आई हूँ, मगर जी चाहता है हमेशा के लिए यही रह जाऊं। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं बेटी, हमारा गांव तो छोटा सा एक स्वर्ग है। सुबह नदी के उस पार दूर पहाड़ियों के पीछे जब सूरज निकलता है, सुनो कहो, कहा सुना कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो कहो, अरे कहा सुना कुछ हुआ क्या? ओ, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अरे चली हवा झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। दिलकश नजारे करते हैं इशारे जो समझे कोई, मेरी सरंगी खामोश आँखें
समझा नहीं तुम समझा दो। अरे सुनो। हाँ कहो। कहा? अरे सुना। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो। हाँ कहो। हाँ कहा। सुना। कुछ हुआ क्या? ओ, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। बतला दो। सुनो। हाँ कहो। कहा? अरे सुना। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? जरा सा कुछ हुआ तो है, 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 जरा सा कुछ हुआ तो है। अरे ये क्या, तुम जा रही हो बेटे अकेली? ठंडू राम भी जा रहा, दो चार दिन और ठहर जाती। वो रास्ते में गाड़ी लेनी है बाबूजी, और फिर कॉलेज टाइम पर पहुंचना है, पढ़ाई का खर्च होता। ओ तब तो, लेकिन याद रखना बेटी तुम एक दिन फिर यहाँ आना है। मैं जरूर आऊंगी। क्यों क्यों क्यों, कोई खास बात है? ये हमारे आपस की बात है, तुम चुप रहो। अच्छा मैं चलूं, नमस्ते। जी तीरा। बाय। 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 गाड़ी के जाते ही ऐसा लगा जैसे सुबह सुबह शाम हो गई। जी न जाने क्या बात है इस लड़की में, एक ही दिन में अपनी लगने लगी। हो गई तेरी चिट्ठी? हो गई, लेकिन पहुंचेगी नहीं। क्या? उस पर बांग्लादेश का 5 पैसे का टिकट कर। तेरे पास है तो देना, अपने पास तो नहीं है। ओह नो, मुझे तो हर हालत में सवेरे के डाक से चिट्ठी पोस्ट करनी है, और इस वक्त स्टैंप कहाँ मिलेंगे? आइडिया। आइडिया? गीता बनर्जी। गीता बनर्जी? हाँ, उसका राइटिंग टेबल है ना, वो अच्छा खासा पोस्ट ऑफिस है। रात के 1-1 बजे तक धर्मेंद्र देवानंद को चिट्ठियां लिखती रहती है। चल जल्दी से। अभी आई, जल्दी फुटो। मिस्टर कमल भटनागर, श्री इंदर सेन ग्रोवर। भटनागर साहब, आप ग्रोवर साहब से मिलिए, क्योंकि मिलना बहुत जरूरी है, और आप इनकी खबर लीजिए। माय डियर डैडी, डैडी सुनीता, सुनीता की चिट्ठी आई है बेटा। है तो उसी की, लेकिन ये चिट्ठी उसने अपने पिताजी को लिखी। लिफाफे में पता किसका है? पता तो मेरा है। ओ, इसका मतलब है कि चिट्ठियों की अदला बदली हो गई, और जो चिट्ठी उसने तुझे लिखी होगी वो उसके पिताजी के पास पहुंच गई होगी। जरा पढ़ तो। हाँ पढ़ पढ़। फालतू चीजें लिखी है, पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। अरे जरा देखू तो। पढ़ने
करने लायक कुछ नहीं। माय डियर डैडी, आज मैं आपको खास और बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। मेरे कॉलेज का एक लड़का है कमल, उसके साथ मेरी जान पहचान हुई और वो मुझे अच्छा लगने लगा। मैं कमल के पिताजी से भी मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने अपनी मन की पसंद आपको बता दी, कमल आपको भी पसंद आएगा। अरे तू तो कहते तो फालतू बातें लिखी है, पढ़ने लायक नहीं। अरे भगवान ने मेरी सुन ली, घर बैठे चांद जाती बहु भेज दी। अरे ठंडू, ओ ठंडूरा, ठंडूरा। जी 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 जी। अरे देखता क्या, जाते चूने वाले बोले सारे घर में रंग करवाना है। अरे खिड़कियों दरवाजे पर्दे भी लगवाने, पढ़ाई को भी ले आ, कुर्सी की मरम्मत करानी है, पानी पी जाते। माने माने घर में कोई मनिस्टर आ रहा है क्या? अरे मनिस्टर नहीं, वो आ रही है। वो कौन? वो कौन? बहू तो जोड़ी जम गई। अरे जम गई तू जाते। अच्छा अच्छा, फुट फुट। एक बात बोलूं बाबूजी? बोलो बोलो। आप तो हवा में किले बांध रहे हैं, लेकिन ये सुनीता की चिट्ठी तो उसके पिताजी तक पहुंची नहीं। पहले जो चिट्ठी उसके पिताजी के पास पहुंच गई है वो तो गुल खिला के ही रह गई। हाय डैड। आपने मुझे टेलीग्राम दिया? कम एट वंस, मैं आ गई। क्या हुआ डैडी? सुनीता, इनसे बात मत कर। क्या हुआ मम्मी? तुझे इसलिए बुलाना पड़ा कि जवान बेटी को सामने देखकर इन्हें कुछ शर्म आए। मम्मी, मेरी तो किस्मत टूट गई बेटी। शादी के 25 साल बाद मुझे तेरे डैडी की असलियत मालूम हुई। आखिर क्या हुआ मम्मी? क्या नहीं हुआ बेटी, इस उम्र में भी तेरे डैडी के नाम लड़कियों के लव लेटर आते रहते हैं। लव लेटर? हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि चिट्ठी मेरे हाथ पड़ गई, वरना ये तो जिंदगी भर मेरी आंखों में धूल झोंकते रहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे यकीन नहीं आता? खुद पढ़ के देख। ओह नो, ये क्या मजाक है? एक यहाँ आओ, कम है बैठो, तुम यहाँ। हाँ, तो लड़के का नाम कमल है जी। लड़के का नाम कमल है ना भाई? नाम तो है बहुत प्यारा, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे मालूम था इतनी बड़ी बात आप मजाक में डाल देंगे। फिर क्या बात करती हो, एक ही तो बेटी है हमारी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, खुश रहे। और फिर इसने लव लेटर लिखा है तो जाहिर है कि पता नहीं कि चिट्ठी यहाँ कैसे पहुंच गई। मैंने जो लेटर आपको लिखा था वो तो उसमें यही लिखा होगा ना कि तुम्हारे कॉलेज में एक लड़का है जिसे तू चाहने लगी है और उसे शादी करना चाहती है। कमल तुम्हें बहुत पसंद है। अरे बोलना, तुझे बहुत पसंद है क्या? आपने तो कहा था कि आप इसे समझाएंगे। अरे समझाना क्या है, पढ़ी लिखी समझदार बेटी है हमारी, अपना बुरा भला खुद समझती है। और फिर अगर मैं कुछ कहूं भी। आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, तूने लड़का पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। मुझे और तेरी माँ को सिर्फ एक बात की फिक्र है कि तू बड़े नागों से पली है बेटा। जिंदगी में तुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई, हजार दो हजार तो तेरा जेब खर्चा है, ऐसा न हो कहीं। डैडी, अगर आप मेरी शादी किसी लखपति के लड़के से करते और बाद में वो गरीब हो जाता तो? चलो बात ही खत्म हो गई। जब मैंने तुमसे शादी की थी मैं कौन सा लखपति था? ये तो सिर्फ आपस में प्यार होना चाहिए। चलो उठो। बेटा, ये कमल के माँ बाप कहाँ रहते हैं? माँ नहीं है, पिताजी है। छोटा सा गांव है चंदनपुर, वहां उनका अपना घर है, खेती बाड़ी है। मैं उनसे मिल चुकी हूँ। ओह, तब तो हमें भी मिलना पड़ेगा। ओ डैडी, डैडी। Mm-hmm.
बैठ गया। आदमी को कहीं तो खोना ही चाहिए। खैर, ये बताओ तुम आज अचानक यहां कैसे आ गए? यार तुमने अपनी कंपनी में मेरी नौकरी की जो बात की थी वो वो तो पक्की है, लेकिन कंपनी की तरफ से मकान तो एक साल बाद मिलता है ना। हाँ
लेकिन तुम तो अकेले हो, मेरे साथ रहना। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, शादी कर रहा हूँ यार। क्या? हाँ? शादी? सच? अरे मुबारक हो यार। इसलिए तो मकान चाहिए। डन, हाउसिंग अलॉटमेंट मेरे हाथ में, तुम्हारा चक्कर चला दूंगा बस। अरे हाँ, ये सामने ही वाला मकान खाली है। मोहन, ये एहसान मुझ पर, एक अच्छा पड़ोसी मिलेगा और एक दोस्त हमेशा मेरे नजदीक रहेगा। भाभी कैसी? हाँ वो ठीक है। चलो मैं तुम्हें मकान दिखाता हूँ, चाबी वो अपने क्या नाम है कनेलाल के पास। कनेलाल कौन? अपनी कंपनी का फॉरमैन है, चलो उसे भी मिलाता हूँ, यहीं रहता है, टिपिकल कैरेक्टर। अच्छा। सुशी बहुत चलक समझती है अपने आप को, निशान लगा रही। अरे तू गई तेरे तेरा निशान भी, मैं भी तेरा बाप हूँ, देख क्या कर रहा हूँ देख। अरे देखना, अरे शबाश चल ना। करयालाल जी, करयालाल जी कहाँ है? सलाम, नमस्ते, नमस्ते, सलाम। करयालाल जी, हाँ ये कमल बाबू है। कौन? हमारे कंपनी के नए ऑफिसर। अच्छा, इसी बंगले में रहेंगे। कमल बाबू नमस्ते, स्वागत है, सलाम, आप इधर रहेंगे? अच्छा। करयालाल जी, अभी तो सूरज डूबा भी नहीं और आप शुरू? अभी क्या है भाई, संडे है, सूर्य निकला कब था वो भी मेरे को मालूम नहीं। मतलब सुबह से शुरू है? अब क्या करे साहब, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी हराम होती है। अच्छा ठीक है, तुम मस्त रहो। चाबी कहाँ? वो सुसरी भाग गई है। अरे मैं बंगले की चाबी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सोचा मेरी चाबी की बात कर रहे हैं। मिलना फिर है। वेलकम। हाय। वेलकम टू द न्यूली वेड्स। अरे भले मानस आने का तार तो दिया होता, स्टेशन पे आ जाता हुआ अचानक। हाँ मगर तकलीफ होती यार तुझे। सोनू, ये मोहन। नमस्ते। नमस्ते। ये मकान और ये नौकरी इसी की बदौलत। डोंट बी सिली। अच्छा देखो, किसी चीज की भी जरूरत हो। अजी सुनते हो, टेलीफोन है आपका। शायद कोई अर्जेंट कॉल होगा। अच्छा कमल, सी यू। ओके, नमस्ते। नमस्ते। सोनू, ये चाबी, कहते हैं कि नए घर का ताला घर की लक्ष्मी के हाथों ही खुलना चाहिए। क्या रे हस्तिनी, अपने नए बाबूजी दुल्हन लेके आ गए? एक और फंसा। जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अपनी जोड़ी अच्छी नहीं है क्या? तू चालू रहा बार बार मना किया, इतनी मानता कहा है मेरी बात? मेरा या तुम्हारा? हम दोनों का।
गौरी, गौरी क्या है? गौरी, वो दिन तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी? उसी दिन को तो कोस कोस के जी रही हूँ कि तू जैसे शराबी के पल्ले पड़ गई। आज इतने साल हो गए शादी को, लेकिन ना तो माँ बन सकी ना मैं बाप। चल उठ खड़ी हो जा। क्यों? उठ तो सही, लेकिन क्यों? अभी बताता हूँ, उठ। ले, हो गई खड़ी, अब बता। गौरी, जब मैं वापस आ रहा था ना, पड़ोस वाले खिड़की में मैंने क्या देखा मालूम है? क्या देखा? जानती हो, वो जो बाबूजी है ना, जिनकी नई नई शादी हुई है, क्या कर रहे थे? वो अपनी अपनी बीवी को, बीवी को बता ना। नहीं बताऊंगा। बताना। अरे बीवी को यूं पकड़ लिया था, ये यूं पकड़ लिया था। फिर क्या हुआ? फिर ठहर, पूछ क्या था? अभी पूछ क्या था? कहाँ जा रहे हो? ये भी कोई पूछने की बात होती है? तुम अपने दिल से पूछो ना। गौरी, आज मेरा दिल कह रहा है कि मेरे घर में एक नन्ना मुन्ना आने वाला है। कन्हैया, आज तू और नहीं पीगा? नहीं, आज तो जी चाहता है कि तुझे पी जाऊं, तुझे ही ग्लास में डाल के पी जाऊं, तुझे पी जाऊं, पी जाऊंगा, खुद पीऊंगा। सुबह सुबह कौन आ गया? ए कमल, कमल! ये तो मोहन की आवाज। उसे उसे बोलते कि मैं तभी ठीक नहीं, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कुछ भी बोलते। जा, जा, जा। ऐसे कैसे जा? जाना तेरी, ठहरा तू सही। कमल, गुड मॉर्निंग। कमल उठ गया? जी हाँ, लेटे हुए हैं। उठ भी गया और लेटा हुआ भी है? उनके सर में दर्द है। बुखार तो नहीं? जी वो देखें। अरे बाबा, मर गया। ओफ, तबीयत ठीक नहीं? अरे सर, सर फटा जा रहा है, थ्रॉबिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन। नहीं, डॉक्टर दिखाने की क्या जरूरत है? एनएसी में आऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर को दिखाने में हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? मंडे से तुम ऑफिस में आना है। हां, ऑफिस में तो आना है। देखिए, कंपनी का डॉक्टर यही रहता है, मैं उसे भेजता हूं। मर गया। अरे थैंक यू, क्या बोल रही है? अरे बिना बात के डॉक्टर आ गया तो? बीमारी का बहाना तुमने बनाया था, अब तुम ही भुगतो। डॉक्टर आएगा और इतना बड़ा इंजेक्शन देगा, तुम डॉक्टर का इंतजार करो, मैं चाय बना कर। बहुत बड़ा इंजेक्शन आएगा। प्योर करेगा। अच्छा, नमस्कार, डॉक्टर झींगा वाला कहते हैं। रोगी का पेशेंट? जी पेशेंट, रोगी। आइए। किधर? चलिए। किधर है रोगी? ओह रोगी। रोगी बैठा हूँ, ले जाओ ले जाओ। अरे भाई ले जाओ। ओके। ओह सॉरी, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। खींचो। क्या? सा सा सा, खींचो खींचो खींचो, और खींचो और खींचो। छोड़ो। रात को पी थी? नहीं डॉक्टर साहब, मैं शराब नहीं पीता। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा सर में दर्द है बस। है कैसे नहीं, ब्लड प्रेशर लो है, नाड़ी खड़ 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 कमजोर। डॉक्टर साहब, आप कुत्तों के डॉक्टर हैं? ट्रेजेडी ये है कि तुम्हारा केस टीएल लगता है। टीएल? व्हाट इज दिस? टोटल लॉस। आई सी, वेरी बैड, वेरी बैड। ये क्या, ये मेरे लिए? बिल्कुल नेचुरली। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। चलो चलो, ये इस तरफ लाओ, ये लाओ। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। ये हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी क्या है? अगर आप नहीं पूछते तो भी मैं बताने वाला था। एक्चुअली मैं आपको सलाह देने वाला था। हर चीज की अति बुरी होती है। अति? व्हाट इज दिस अति? अति एक्सेस। आपकी शादी कब हुई? 7 दिन हुए। और ये हालत है? आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? यही कि सेहत ठीक रखने के लिए हफ्ते में 3 दिन खाओ और 3 दिन उपवास करो। क्या मतलब?
मतलब ये कि गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये कैसे हो सकता डॉक्टर साहब? वेरी सिंपल, हफ्ते में छह दिन होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आ रहे वो तीनों दिन तुम्हारे, ऊपर के तीन दिन ना नहीं नहीं उपवास। संडे तो आप भूल ही गए। हाँ, वो छुट्टी का दिन कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, समझे क्या? मैं चलता हूँ, मेरी बात याद रखना और मुझे मत भूलना। डॉक्टर, योर नेम? डॉक्टर घर घर झींगा वाला। ओके, बाय बाय रोगी, बाय। ये डॉक्टर है? बोलू का पत्थर मुफ्त में इतना बड़ा इंजेक्शन ठोक गया। मालूम है डॉक्टर ने क्या कहा? सुना तुमने? क्या? हाँ बोलो। यही थर्सडे, फ्राइडे, अरे आज भी तो सैटरडे है, मेरी तो लाइफ बन गई। क्या पागलपन है? अरे छोड़ो मुझे। छोड़ो क्या? डॉक्टर ने कहा, मैंने थोड़ी देखा मुझे मारता था। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। ओफो, ये क्या? ओफो। सुनीता जी, मेरी वाइफ आपके पास चाबी छोड़ गई है। नहीं तो? हाय मोहन। हेलो, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, छुट्टी का आखिरी दिन है, सोचा जरा घूमकर खाना बाहर ही खाएंगे। अच्छा, आप अकेले घर में रहकर क्या करेंगे? हम ऐसे चलिए ना। हाँ चलो ना मोहन। जरूर चलता, लेकिन मुझे क्लब की मीटिंग में जाना। आप लोग जाइए। हैव अ नाइस टाइम। ओके। चुप क्यों हो? शाम का प्रोग्राम हमने अपने लिए बनाया था, तुमने उनको क्यों बुलाया? तो क्या हुआ? वो आता तो डिस्टर्बेंस में होती। उनके पास घर की चाबी नहीं थी, इसलिए बुला लिया। कुछ भी हो, सोने मुझे अच्छा नहीं लगा। ए? हाँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी बाबा, माफ करो। कर दिया। थैंक यू। टैक्सी। ड्राइवर साहब, अगर एतराज ना हो तो आइसक्रीम ले आइएगा और एक खुद भी खा लीजिएगा, हम लोग यहाँ बैठते हैं। जी अच्छा। यहाँ बैठ कर क्या करेंगे? यहाँ बैठ। डॉक्टर की बात याद है? आज संडे है तो आइसक्रीम कैंसिल। कैंसिल। ए सुनो, डॉक्टर झिंगा वाला को याद करो और आइसक्रीम खा। झिंगा वाला। रजामंद है मगर आज मुहब्बत बंद है।
कमाल है, कभी मुंबई बंद है, कभी कलकत्ता बंद है, कभी दिल्ली बंद है, आज मोहब्बत बंद। ए घर तो खुला है ना, हाँ? चलो ऑफिस जाना है या नहीं? अभी तो बहुत टाइम है। तो फिर मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? अभी अभी आंख लगी थी और अब सितार लेके बैठ गए। मैं किस दिन इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। एक सितार ही तो रह गया है अपना कहने को, कम से कम इसे तो मेरा रहने दो। अगर सितार ही अपना है तो मुझसे क्यों शादी की थी? क्यों नाराज हो रही हो सुबह सुबह? तुम्हारे सोने का वक्त है, जाओ सो जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। मैं सिर्फ नाम के लिए तुम्हारी बीवी हूँ, आखिर तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं ले लेते? अपनी बदनामी के डर से। और फिर तुम्हें कमी किस बात की है? मेरी बीवी होकर भी तुम्हें हर किस्म की आजादी है। जब तुम ही मुझसे दूर रहते हो तो मुझे भी अपना दिल बहलाने का पूरा हक है। दिल बहलाने के सिलसिले में शादी से पहले ही काफी नाम गंवा चुकी हो तुम, इसलिए तो तुम्हारे पिताजी को मेरे सिवा से दूसरा लड़का नहीं मिला। क्या बकते हो, तुम्हारे बाप का दिवाला निकलने वाला था। अगर उस वक्त मेरे पिताजी मदद न करते। मदद नहीं सौदा, मेरी और तुम्हारी शादी का। अपने पिताजी को बर्बादी से बचाने के लिए मजबूर होकर मुझे राजी होना पड़ा, लेकिन तुम मेरे जीवन में उस रोग की तरह हो अलका, जिसमें आदमी घुलता रहता है, तड़पता रहता है, न जी सकता है न मर सकता है। कैसा बना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल तुम जैसा। सुबह सुबह बीवी प्यार से नाश्ता बनाकर खिलाए, हैप्पी लाइफ, गुड वाइफ, और क्या चाहिए? अरे हाँ, ये मोहन जी की वाइफ कैसी है? बहुत सख्त मिजाज है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा। अभी अभी मैं गार्डन में गई थी, मोहन जी बैठे सितार बजा रहे थे, बिल्कुल खोए हुए थे। वो अचानक आई और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। ये तो अपनी अपनी किस्मत है सोनू। मोहन जी भले आदमी है ही, लेकिन उनको सितार बजाते हुए देखकर ऐसे लगा कि वो आर्टिस्टिक माइंडेड भी है। ऐसे आदमी की पत्नी सुंदर और हंसमुख होनी चाहिए। सुनो, ये हनीमून के दिनों में बीच में मोहन साहब कहाँ से टपक पड़े? चलो चाय सुबह मिलेगी बैठती, नाश्ते की हो दूध। दूध तो नन्ने मुन्ने पीते हैं। तुम क्या नन्ने मुन्नों से कम शरारती हो? क्या शरारत की? बहुत सताते हैं। चलो दूध पी लो। नहीं पीवा। पीते हो या नहीं? पीऊंगा, लेकिन हम ऐसे नहीं पियेंगे। तो फिर कैसे पियेंगे? जैसे जैसे नन्हे मुन्ने बोतल से पीते। छोड़ो ना। अरे, ए! छोड़ो मुझे, देखो हर वक्त एक ही भूत सवार रहता है तुम्हें तो। देखो कोई गाड़ी आई। गाड़ी आई? हमने मंगवाई। क्यों? सारा दिन हमारे साथ रहेगी, सुबह से शाम घूमने का प्रोग्राम, जल्द से तैयार हो जाओ। सुनो, मारूंगी हाँ, बदमाश रहेगी। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ या लड़ने की बात कर रही हूँ? दिल क्या चाहता? दिल चाहता कि तुम्हें आंखों में छुपा लूं और पलके हमेशा के लिए बंद कर दूं। क्यों? ताकि तुम्हें कोई दूसरा ना देख सके। मैं चुप गई, और कोई तुम्हें चुरा कर ले गया तो?
ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। सिगरेट कहाँ गया है? तुमने तो छोड़ दी है। चुप है? कोई आया भी और चुपचाप क्यों चला गया? खैर, आइंदा ये दरवाजे बंद रखना, ये भी पीछे वाला। ओके। क्या मांगा भगवान से? एक छोटी सी प्यारी सी बेटी। क्यों? बेटा क्यों नहीं मांगा? बेटे बदमाश होते साले। इसका मतलब है आप ही। तुम ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। क्या है दरअसल, बेटे बड़े होके ना माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन बेटी हमेशा माँ बाप से प्यार करती है। ए, मैंने तो नाम भी रख लिया। क्या? मुझे भी बताओ ना। एकता। अच्छा, बहुत प्यारा है। जय शिव शंकर, शिव शंकर। मनोकामना पूरी हो बेटा, आज शिवरात्रि है, ये लो शिव जी का प्रसाद और पी लो उसके नाम से। पंडित जी, यू आर ग्रेट। जवाब नहीं आपका। मेरा? हाँ। I'm not
चाहे हो जाए होने दो ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवाने जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया शंकर काटा लगे न शंकर के प्याला तेरे नाम का पिया खुशबू रुमाल की है तुम्हारी आज दफ्तर जाने का पहला दिन है हाथ जोड़ कर जा हाँ। ये क्या हाँ। मुझे नहीं उधर भगवान को ये लो तुम्हारा बैग दफ्तर जाने का वक्त हो गया मतलब आज से गुलामी शुरू पक्का मुंह तो मीठा करके जाओ अब जाओ क्या हुआ एक मुख्य काम तो रह गया वो क्या मुख शुद्धि पान नहीं करा नहीं 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 बस पान नहीं समझी चलो जाओ यहाँ से नहीं देखो तुम बहुत शैतान हो गए नहीं जाऊंगा बहुत जिद्दी हो नहीं बाय 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 अरे सुनो क्या कुछ नहीं मुख शुद्धि यहाँ रह गई थी अच्छा अभी बाय मिस्टर डिसूजा मोहन कुमार जी का सेट तैयार हो गया जी 10 मिनट लगेंगे वेरी गुड प्लीज हरी अप ओके अरे बदमाश तू यहाँ क्या कर रहा है अरे मैं तो यहाँ 6 महीने से सर्विस कर रहा हूँ सेल्स वार्डन में लेकिन तू अरे मैंने अभी भी ज्वाइन किया गले तो मिल यार छोड़ो यार तुम बहुत बंडा आते हो क्यों 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 माँ बदौलत तुमसे और सुनीता से बहुत सख्त नाराज है हम वजह जान सकते हैं यार तुम दोनों अपने कॉलेज के साथी को भूल गए चुपचाप शादी कर ली और हमें पता तक नहीं दिया अरे यार वो क्या हो गया वो शादी इतनी जल्दी में कर दी और तेरा एड्रेस नहीं था ना मेरे पास हाँ लेकिन अब मुझे सब पता चल गया और अब तुम बच नहीं सकते पार्टी कब दे रहा हो जब बोलो इसी संडे को हो जाए घर आ जाना व्हाट डू यू मीन बाय आ जाना घर पर अबे सारे स्टाफ को बुलाना होगा एक शानदार पार्टी होगी सॉरी 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 अटेंशन प्लीज आप सब लोग संडे की शाम फ्री रखिएगा मिस्टर कमल अपनी नई नई नौकरी और नई नई शादी की खुशी में हम सबको पार्टी दे रहे हैं तालियां लेकिन मिस्टर कमल ये टी और कोल्ड ड्रिंक से काम नहीं चलेगा विस्की पार्टी विस्की कब कहां किस वक्त
को 12 बजे जहन्नम में पहुंच जाऊंगा। सुन, विस्की का इंतजाम कहां से होगा? अरे यार तू क्यों घबराता है, बोतलें मैं ले आऊंगा, पैसे तुम दे देना। डन डन, ठीक है। संडे साहब, ये 100% मौसमी की लगती है। अबे और ठहरे बस, ये विस्की है विस्की, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। समझे साहब, आप मुझे व्हाइट ही डाल दीजिए, सोना ब्लैक पुलिस ले जाए। जब तक मेहमान लोग ना पी ले दारू का नाम मत, समझे? उठाओ बोतल नहीं ट्रे, आओ मेरे साथ। तुझे क्या चाहिए, व्हाइट या ब्लैक? अरे मुझे ना ब्लैक चाहिए ना व्हाइट, मुझे तो तेरी मूछे देख के नशा हो रहा है। तेरी कसम कितनी प्यारी लग रही है। मेरी मूछे तुझे बहुत पसंद है, बहुत सच्ची। इधर आ और ये ले रख। खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा संभाल के रख। वेलकम सर, थैंक यू। एंड दिस इज फॉर द होस्ट। तुम पियो यार, मैं तो पीता ही नहीं। क्या मतलब? समझा, भाभी से डरते हो? भाभी जी प्लीज आज अपने पति को एक पैक की परमिशन दे दीजिए, वरना सारी पार्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा। प्लीज कह रहे हैं तो एक ले लीजिए ना। इनकी बात छोड़िए, आप क्या कह रहे हैं? ये हुई ना कुछ बात। आइए भाभी जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, चीयर्स फॉर मिस्टर एंड मिसेस कमल भटनागर। गॉड ब्लेस द कपल। हेलो हेलो मोहन, हाउ यार? हेलो भाभी का शुभकामनाओं के साथ। मोहन जी आपने भी फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी कहाँ, छोटा सा तोहफा तो है, और फिर किसी को तोहफा देने का मौका जिंदगी में बार बार थोड़ी आता है। You're right. इसलिए लीजिए अपना सितार और आज एक ऐसी खूबसूरत चीज सुना दीजिए जो इस पार्टी को और भी रंगीन बना दे। लेकिन मैं तो सिर्फ सितार बजाता हूँ, साथ में गाना हो तो मजा आ जाए। ओहो, आप सितार तो लीजिए, उसका बंदोबस्त भी मैं कर देता हूँ। बस सिर्फ भाभी जी से रिक्वेस्ट करने की देरी है। नहीं नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता। भाभी जी आप मुझे इनकार मत कीजिए, प्लीज गा दीजिए ना। मैं सच कहती हूँ, मैंने गाना वाना छोड़ दिया। सुनो, जब सबकी फरमाइश है तो गा दो। नहीं कमल, गा दो ना। आज आप मेरे लिए गा दो। नहीं नहीं प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, मेरा मूड नहीं है। मेरे लिए गा दो। नहीं। सुनीता जी, संगीत तो भगवान की देन होती है, और वो भी दूसरों को देने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, अगर मेरे सितार के सुर सच्चे हैं और संगीत में जादू तो आप जरूर देंगे। Thank you.
करूं? लोग हंसेंगे। हंसे? जब सब मेरी सुनीता की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं? ये क्या? ये चीज़ फॉर यू। ए सुरेश, डोंट गो। आई जस्ट लुक आफ्टर द गेस्ट। लेट्स हैव अ ड्रिंक। ड्रिंक। अरे ये क्या, तुम यहाँ सो गए? कपड़े भी नहीं बदले, ये क्या हालत बना रखी है? बनाकर फकीरों का हम भी गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। इसका मतलब है तुमने ज्यादा पी रखी है। हो सकता है। इतना ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी? सच बताऊं, मुझे पार्टी में कुछ अकेला अकेला लग रहा था। लेकिन क्यों? तुम गाते गाते खो गई थी, लोग सुनते सुनते खो गए थे, और मैं दूर बैठा अकेला उन लोगों को देख रहा था जो तुम्हें देख रहे थे, इसलिए मैं। आज से बिस्की को हाथ भी मत लगाना। चलो अंदर कपड़े बदल लो। चलो आओ ना, आओ आओ ना। आप कैसा है जनाब? फर्स्ट क्लास, एक्सीलेंट। आज जल्दी जा रहे हो? टाइम हो गया ना? तो फिर तुम्हारी घड़ी गलत है। देखो अभी 10 मिनट बाकी। किसे मालूम कौन गलत है कौन सही है। देखो आज शाम जरा मैं देर से आऊंगा। क्यों? आज दोस्तों ने टेनिस पे बुलाया, अगर नहीं जाऊंगा तो मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे चोरू का गुलाम हो गया। ये सामने बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बातें कर रहे हो, आखिर दोस्तों का भी तो कुछ हक है तुम पर। बल्कि मैं तो कहूंगी ऑफिस के बाद हर रोज शाम को क्लब जाएगा। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। सुनो। कहो। भूल गए क्या? वो तुम्हारी मुक्षत थी। ऑफिस में देर हो रही है। मिस्टर बेलानी। लेट्स हैव वन गेम मोर। नहीं आज नहीं। क्यों, क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? नहीं ऐसी बात तो नहीं। फिर आज अच्छी तरह से तो नहीं खेले आप? वो जरा प्रैक्टिस नहीं रही ना। ओके अरे क्या बात है यार, आज मोहन टेनिस खेलने नहीं आया। अरे वो तो आज तक कभी उसने क्लब मिस किया ही नहीं। ये पहली बार है जब वो टेनिस खेलने आया नहीं। आज वो ऑफिस से भी जल्दी चला गया यार, किसी लंबे चक्कर में। कहा एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई, ये मेरे पति देव है। अरे ये भी आ गए। अब यदि इन्होंने एक ऐसा जोक सुनाया कि हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। एक बार फिर से इन्हें सुना दीजिए ना। जोक रिपीट कर रहे से उसका मजा चला जाता है। आज यार तू टेनिस खेलने नहीं आया? वहां सब लोग इंतजार कर रहे थे। आज शाम को कहीं पार्टी में जाना था इसलिए ऑफिस से जल्दी चला आया। घर पहुंचा तो पता चला एज यूजुअल श्रीमती जी बाहर गई हैं, घर पे ताला है। ये भी तो तुम्हारा ही घर है, इसीलिए तो चला आया। अच्छा हुआ आप घर पे थी, वरना मेरे लिए टाइम पास करना मुश्किल हो जाता। मैं कॉफी लाती हूँ,
मोहन जी एक कप और? जी नहीं शुक्रिया, आप तो मेरी आदतें बिगाड़ देंगी, ऑलरेडी दो बार पी चुका हूँ। तो एक कप आपसे। चलो ठीक है। सुनो मोहन साहब के लिए कॉफी, मेरे लिए चाय। अभी ला। मोहन तुम्हारी पार्टी में तो अभी टाइम है ना? हाँ। जरा चेंज करो। ओके गो अहेड। उनकी वाइफ आ गई। कितनी खूबसूरत चीज है ये, जरूर मेरी सोनू की चॉइस। मोहन जी की चॉइस, उन्होंने प्रेजेंट की थी पार्टी के दिन। क्या बात है, ये आर्टिस्टों की चॉइस भी खूब होती, जब भी कुकू करेगी याद दिलाएगी, है ना? अच्छी लगी? तुम्हें पसंद है ना? बहुत। प्रेजेंट तो और लोगों ने भी दी मगर ये मुझे सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे आपके सपनों की रानी के पास रख लिया था। अरे मैं दूध स्टोव पर रख कर आई थी, कहीं जल ना जाए। अभी आती हूँ। क्या हुलिया बना रखा है, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, ऐसे जरा घर की सफाई का मूड आ गया था। कूड़ा फेंका था, बंद करना भूल गई। अंधेरा होते ही बंद कर दिया था। कुछ परेशान नजर आते हो, तबीयत तो? कमल आखिर बात क्या है, तुम इस तरह हर कमरे में क्या देख रहे हो? मुझे कोई मिलने आया था। नहीं तो? अरे हाँ मोहन जी आए थे, उन्हें कहीं बाहर जाना था, बैग चाहिए था, मैंने तुम्हारा एयर बैग खाली करके दे दिया है। अच्छा किया, अपनी चीज किसी पड़ोसी के काम आ जाए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। एक गिलास पानी ला। कब तक पढ़ोगे? 12 बज गए हैं। तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? मालूम नहीं, लेकिन तुम भी तो नहीं सोए। ये जो कहानी पढ़ रहा हूं ना, बड़ी रोमांटिक है। शुरुआत भी अच्छी थी लेकिन बीच में आके उलझ गई, पता नहीं कैसे खत्म होगी। तुम सो जाओ, मुझे पढ़ने दो। नहीं कल पढ़ना, क्या दिन है? संडे। संडे। चलो सो जाए। ये क्या पागलपन है, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, जब तक मैं इसे पढ़ नहीं लूंगा नींद नहीं आएगी। तुम जाओ सो जाओ, मुझे पढ़ने दो। कमल कुछ दिनों से तुम बहुत बदल गए हो। क्या मतलब? मुझे ऐसा लगने लगा है अब तुम मुझे नहीं चाहते। तब तो मैं नहीं तुम बदल गई हो, कहीं तुम्हें अभी से अफसोस तो नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की?
कमल छोड़ो ये फिजूल की बात है और सो जा। मशीन जल जाएगी। माइंड योर ओन बिजनेस। आई एम सॉरी। अंदर आ सकता हूँ मैं? मोहन जी आइए आइए। कहाँ है कमल? जरा बुलाइए, बहुत जरूरी बात करनी है उससे। वो घर में नहीं है, उनके किसी दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें देखने गए हैं, कल तक वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आज वो ऑफिस में भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा परेशान था वो। मैंने आकर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, अकेले में बोर हो रही थी, पढ़कर टाइम पास कर रही थी। बैठिए ना। बोलिए क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी? जी नहीं शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में हूँ, आज रविशंकर जी का प्रोग्राम है और कमेटी वालों ने दो टिकटें भेजी है। वो एज यूजुअल पिक्चर, किटी पार्टी या कोई क्लब, वो अपनी दुनिया में मस्त रहती है। अरे हाँ, आज आप अकेली हैं, आप चलेंगे मेरे साथ? 10 बजे तक लौट आएंगे। सितार का प्रोग्राम और वो भी रविशंकर जी का? आप 5 मिनट ठहरिए, मैं अभी आती हूँ।
है पर्दे के पीछे? कौन हो तुम? तुम तो अपने किसी दोस्त को, तुम यहां कैसे? इस तरह आधी रात को छुपकर मुझ पर नजर रखने का मतलब क्या है? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। मोहन के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा संबंध मोहन जी के साथ? जी हाँ, मोहन जी के साथ, जिसके लिए तुम्हारे दिल में जरूरत से ज्यादा हमदर्दी है। और मैं ये भी जानता हूँ मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों मिलते हो। कमल! दुनिया जानती है मोहन की बीवी मोहन से प्यार नहीं करती, और मुझे शक है कि वो कमी तुम पूरी कर रही हो। बस करो कमल, बस करो। आज शाम भी तुम उसके साथ गई थी, इतनी देर से लौटी हो, बताओ कहाँ गई? तुम्हारी बेरुखी का मतलब आज मेरी समझ में आया। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझ पर शक करोगे, मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाओगे। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें क्या देखा जो तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारा मोहन के साथ क्या संबंध है? उनके साथ मेरा क्या संबंध है ये जानना चाहते हो? नहीं बताऊंगी, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं। घर छोड़ने से पहले इतना सोच लो, तुम्हारा इस तरह घर से चले जाना मेरे शक को यकीन में बदल देगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं इस घर से ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी से भी जा रही हूँ, और हमेशा के लिए। मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा स्वागत करने वाली आज घर में नहीं है मोहन। कौन? जिससे तुम मिलने आए हो। बात है, तुम दोनों से मिलने आया हूं। दोनों से? यह जानते हुए भी कि मैं घर में नहीं हूं? हाँ, सुनीता जी ने बताया था तुम कहीं बाहर गए हुए हो। चला जाता तो अच्छा ही होता, तुम लोगों को पूरी आजादी तो मिल जाती। क्या मतलब? यही कि तुम्हारे जैसा आदमी, मेरा मतलब है तुम्हारे जैसा दोस्त इस दुनिया में कहाँ मिलता। कितने एहसान है तुम्हारे मुझ पर कि तुमने मुझे नौकरी दिलवाई या घर दिलाया। क्या बात करते हो, दोस्त का तो फर्ज होता है दोस्त के काम आना, दोस्त की इज्जत से खेलना, उसके घर में आग लगाना। क्या पक्के हो तुम? दोस्त, आज तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा। आज तुम होश में नहीं हो कमल, तुम्हारे मन में शक का जहर भरा हुआ है। बस इतना याद रखना, जिस दिन तुम होश में आओगे पछताओगे, रोओगे, खुद अपना मुंह पीट लोगे। डैडी, क्या क्या हुआ बेटा? बेटी तू अचानक यहाँ कैसे? मम्मी, मम्मी अपने वक्त भी नहीं जाओ। ओह ओह, मालूम होता है हमारे दामाद से झगड़ा हो गया। Thank you.
इसका मतलब है आपकी बेटी आपके घर पहुंच गई। हाँ, सुनीता के साथ जो तुमने बर्ताव किया है उसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। मुझे या आपकी बेटी को, जिसने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया? ऐसे नहीं हो सकता। तुमने जो उस पर इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठ है, गलत है। अगर गलत है तो घर छोड़कर क्यों चली गई? मेरे सवाल का जवाब क्यों ना दे सके? वो तुम्हारे सवाल का क्या जवाब देती? तुम गलतफहमी का शिकार हो, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें समझाने, तुम्हारी गलतफहमी दूर कर। देखिए, इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। पिताजी बहुत बीमार हैं, गांव जा रहा हूँ। माँ, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं अपने पति के लगाए झूठे इल्जाम का सामना करती, उसकी गलतफहमी दूर करती, लेकिन अपना घर छोड़कर कभी ना आती। फिर बेटी, तू तो निर्दोष है, तुझे किस बात का डर है? मेरी बात मान ले, कमल के पास वापस चली जा। हरगिज नहीं, सुनीता वहां नहीं जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूँ, वो पति परमेश्वर का जमाना चला गया। आज औरत और मर्द दोनों को बराबर का हक हासिल है। पति हो या पत्नी, जो भी गलती करे से सजा मिलनी चाहिए। जमाना बदला है लेकिन हमारा समाज नहीं बदला। पति पत्नी के झगड़े में पुरुष की गलती कोई नहीं देखता, पत्नी को ही दोषी ठहराया जाता है और सजा भी उसे ही मिलती है। शोभा, शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद है पति और पत्नी का एक दूसरे पर अटल विश्वास। सुनीता कमल का विश्वास खो चुकी है, अब ये उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। ऐसा ना कहिए, झगड़ा हर पति पत्नी का होता है लेकिन फिर एक हो जाते हैं। कमल पर आपका गुस्सा करना ठीक है लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि अपनी ही बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं एक बाप हूँ और कोई बाप अपनी बेटी की घर गृहस्थी को जोड़ते हुए नहीं देख सकता। तो जाकर कमल को एक बार मिलिए ना, उसे समझाइए ना। मैं उससे मिल चुका हूँ, उसने मेरी बेइज्जती की और अपने गाँव चला गया। उसके दिल में सुनीता के लिए ना इज्जत है ना परवाह। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि जब तक वो सुनीता से खुद माफी मांगने नहीं आएगा, हमारी बेटी उस जलील के घर कभी नहीं जाएगी। साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आए? नमस्ते। आप? जी, मैं कमल का दोस्त हूँ और उसका पड़ोसी भी। आपका शुभ नाम? मोहन। मोहन, सुनीता भाभी ने मेरे बारे में आपको बताया होगा कि मैं भी उनकी तरह कमल की गलतफहमी का शिकार हूँ। तो आपने अपने दोस्त की गलतफहमी दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की? मौका ही नहीं मिला। सुनीता भाभी के चले आने के बाद जब मैं कमल को मिला तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मोहन जी, कमल ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा? आज वो बह गया है, होश में नहीं, लेकिन दोस्त बड़ा प्यारा है इसलिए बुरा नहीं माना मैं। लेकिन यहाँ आप आए किस लिए हैं? सुनीता भाभी से एक रिक्वेस्ट कर लें, आप मेरे साथ चलिए और कमल के सामने मेरे हाथ में राखी बांधिए ताकि उसके मन का मैल हमेशा के लिए धुल जाए। नहीं मोहन, जो शख्स अपने अजीज दोस्त और बीवी तक को शक की निगाह से देखने लगा है वो राखी के पवित्र बंधन की भी बेइज्जती कर सकता है। जैसे भी हो, दोनों में जल्द समझौता हो जाना चाहिए। सीधी तरह समझौता होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। कमल, उसको अपनी गलतफहमी पर यकीन है और सुनीता अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती, इसलिए हर पहलू पे गौर करने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि इन दोनों का एक बार आमना सामना होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन दोनों का आमना सामना होगा कैसे? कमल राजी होगा? नहीं होगा, इसलिए कल मैं उसे लीगल नोटिस भेज रहा हूं। लीगल नोटिस? लेकिन डैडी, यही एक रास्ता है ताकि मजबूर होकर उसे यहां आना पड़े। इस नोटिस से साफ जाहिर होता है कि आपके फादर इन लॉ
जो बैरिस्टर होने के अलावा बहुत बड़े आदमी हैं, अदालत के सामने आपको मुजरिम ठहराकर अपनी बेटी के लिए तलाक चाहते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी राय यह है, इससे पहले कि वो लोग कानूनी कार्रवाई करें, हम अदालत के सामने उनसे आपके सवाल का जवाब मांगेंगे। अदालत के सामने? वरना एक ही तरीका है, आप अपनी बीवी से माफी मांग लीजिए। हरगिज़ नहीं वकील साहब, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जो किसी से माफी मांगू। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, मैं तो तंग आ चुका हूं इस दिन रात की परेशानियों से। यू डोंट वरी, मैं आज ही प्रोसीड करता हूं। क्या हुआ, आपने चाय क्यों छोड़ दी? मेरे नोटिस के जवाब में कमल के वकील का नोटिस आया। क्या लिखा है? जो नहीं लिखना चाहिए था। मैंने तो सिर्फ दोनों को मिलाने के लिए अदालत की धमकी दी थी, लेकिन ये मामला तो सचमुच अदालत में जा रहा है। आई अपीयर फॉर द पिटिशनर योर ऑनर। समन्स की तामील के बावजूद श्रीमती सुनीता देवी कोर्ट में हाजिर नहीं है और न ही उन्होंने कोई एफिडेविट दाखिल किया है। इससे जाहिर है कि उनके पास मेरे क्लाइंट मिस्टर कमल के एविडेंस का कोई जवाब नहीं है। जवाब तो ऐसा दे सकता हूँ कि कमल और कमल के वकील की तकिया उड़ा दो। तो फिर कुछ कीजिए ना। क्या करूं, अदालत में जाने से खाक अपने सर पे पड़ेगी। अगर वो जलालत पे उतर आया है तो उसे अपने अरमान पूरे करने दो। मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिस दिन सुनीता ने कमल को पसंद किया। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरे क्लाइंट की एप्लीकेशन को मंजूर किया जाए और उसे अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्स पार्टी तलाक ग्रांट किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। बेटी, डैडी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? अब इस दुनिया में मेरे लिए रखा ही क्या है, रखा ही क्या है? अगर मैं ना आता तो न जाने क्या हो जाता। मुझे मुक्ति मिल जाती डैडी। जो हुआ उसे भूल जाओ बेटी। किसे भूल जाऊं? अपने प्यार को, अपनी बर्बादी को, या अपने आप को? किसे भूल जाओ डैडी, किसे भूल जाओ डैडी? बताइए, सुनीता। अंकल, मैंने सुनीता को अच्छी तरह साबित किया है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। क्या कह रहे हो हरीश? उसे जो मेंटल शॉक पहुंचा है वो अगर बर्दाश्त न कर सकी तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। क्या मतलब? उसके पागल हो जाने का डर है। हरीश बेटा, हमने अपनी बेटी तुम्हारे हाथों में सौंप दी है। तुम तो जानते हो बेटा, हमारी एक ही औलाद है, उसे किसी तरह से भी ठीक कर दो बेटा। अंकल, मेरी तरफ से इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी और मैं कुछ सीनियर डॉक्टरों को भी कंसल्ट कर रहा हूं। आगे भगवान के हाथ है। वो तो ठीक है बेटा, मगर किसी तरह से भी सुनीता को बचा लो। मैं जरा उसे देख सकती हूँ? श्योर। बेटी, सुनीता बेटी, अब कैसी तबीयत है बेटी? अपनी माँ से बात नहीं करोगी? जानती हूँ माँ। क्या बेटी? प्यार और मौत दोनों एक जैसे होते हैं।
जीने लगे हो. कम ऑन है बन. थैंक यू वेरी मच सर. तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? नहीं तो सर नहीं. कमल, उतार चढ़ाव तो हर जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन आदमी को काम करते रहना चाहिए. यह है तुम्हारे काम की रिपोर्ट. पिछले महीनों में तुमने कुछ नहीं किया. अगर यही हालत रही तो आई एम वेरी सॉरी सर. मैं कोशिश करूंगा आइंदा मेरे काम से आपको कभी कोई शिकायत ना हो. गुड. बस इसीलिए तुम्हें बुलाया था. अपने आप को संभालो और जी लगाकर काम करो. कमल, धत तेरे की, मैं तो समझा कि आज पकड़ा गया. मगर मोहन के घर से तुम मेरे कंपाउंड में कैसे आया? अरे यार, सामने के दरवाजे से नहीं आ सकता ना, इसलिए तुम्हारे घर के कंपाउंड का इस्तेमाल करना पड़ता है. और फिर तुमने तो एक बार देखा भी था. वो तुम थे? हाँ कमल. तो फिर रात के अंधेरे में चोरों की तरह छुप के क्यों जाते हो? अरे यार कमल, अब तुमसे क्या छुपाना. मैं अक्सर मोहन की वाइफ से मिलने जाता हूं. समझा. जिसने मेरे घर में आग लगाई उसका अपना घर भी नहीं बचा. तुम जो भी चाहो समझो कमल, लेकिन अपने घर में तुमने खुद आग लगाई है. मैं सुनीता भाभी और मोहन को अच्छी तरह जानता हूं. मोहन का सुनीता भाभी के साथ वही रिश्ता है जो कि एक भाई का अपनी बहन के साथ होता है. हाँ कमल, मैं ठीक कह रहा हूं. जो भी चाहो समझो कमल, लेकिन अपने घर में तुमने खुद आग लगाई है. मैं सुनीता भाभी और मोहन को अच्छी तरह जानता हूं. मोहन का सुनीता भाभी के साथ वही रिश्ता है जो कि एक भाई का अपनी बहन के साथ. मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझ पर शक करोगे, मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाओगे. आज तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं. क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं पर हमेशा रहूंगा. आज तुम होश में नहीं हो कमल, तुम्हारे मन में शक का जहर भरा हुआ है. समझा, दोस्ती का अपमान किया मैंने और आज फिर अपमान कर रहे हो. अरे पगले, दोस्त की गलती भी दोस्ती की सौगात होती है. मैं जानता हूं मोहन, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है. इसी विश्वास के सहारे तो चला आया. मुझे आज पता चला कि विश्वास पे अविश्वास करके क्या कुछ खो दिया मैंने. लेकिन तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हुई कैसे? सुरेश की वजह से. इसके आगे मैं कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है.
दुख तो सभी की जिंदगी में होता है कमल, किसी को बिन मांगे मिल जाता है मेरी तरह, और कोई जानबूझ के मोल ले लेता है तुम्हारी तरह। तुम यहां कैसे आए? मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने आया हूं, आप लोगों से माफी मांगने आया हूं, खास करके सुनीता से। मैंने उसके साथ पर अन्याय किया है। तुम बहुत देर से आए हो, सुनीता अब यहां नहीं है। कहां है? अपने घर। घर? अपने पति के साथ, और अब वो बहुत सुखी है। ओह गॉड, लेकिन ये कैसे? ये पूछने का हक तुमने उसी दिन खो दिया जिस दिन तलाक हुआ। उस दिन मेरी बेटी का दिल टूट गया और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि मुमकिन था वो पागल हो जाती। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के इलाज ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन सुनीता को जिंदा रहने के लिए पति के प्यार, विश्वास और सहारे की जरूरत थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक ऐसा भला आदमी मिल गया जिसने सब कुछ जानते हुए भी उसे इज्जत दी और अपनाया। जानते हो दूसरी शादी की बात सुनकर सुनीता ने क्या कहा? इससे तो मर जाना अच्छा है। उसकी मां ने भी एतराज किया, लेकिन मैंने उसकी जमाने की समाज की किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मेरे सामने मेरी अकलौती जवान बेटी की जिंदगी का सवाल था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी सारी जिंदगी अकेली रहकर दुख उठाकर तुम्हारी गलती की सजा भुगते। गलती मुझसे जरूर हुई, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। अगर मेरी बेटी की जगह तुम्हारी कोई बेटी या बहन होती तो तुम क्या करते? वही जो आपने किया। आपने और अब सुनीता पे तुम्हारा कोई हक नहीं, उसका नाम तक भी तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, मन में रहेगा, लेकिन आप जब भी उससे मिलेगा इतना जरूर कह दीजिएगा कि उससे माफी मांगने की तमन्ना आखिरी सांस तक मेरे साथ। गौरी जी, बाबू जी जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे। बस हो गया बाबू जी। अच्छा, अपने श्रीमान कन्हैयालाल जी का है? वो दिए जला रहा है।
एक दो तीन चार पाँच, पांचवा ठीक चल रहा, छठे को क्या होगा? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, हाँ जलाऊंगा ही ठीक। देख 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 देख, अरे जलना जलना। ठहर 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 ठहर, तुम कौन हो भाई बताओ? नहीं नहीं, अरे मोहन बाबू। हाँ मोहन बाबू। अच्छा अच्छा, ये जलेगा कैसे? क्यों, इसमें तेल नहीं, ठर्रा है ठर्रा। राइजू पकड़ इसको, पकड़। गलती गलती मेरी नहीं है, ये देखो मोहन बाबू, दोनों बॉडी एक जैसे है। तेल किसमें? तेल किसमें है? गौरे गौरी, ले जाए इसे अपने घर। क्या हुआ बाबूजी? होश में नहीं है, दिए में तेल के बगैर ठर्रा डाल रहा है ठर्रा। ए गौरी, इनको घर ले जाओ। कन्हैया, तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बहुत दिए जला लिए, अब घर चलो। अरे कमल आ गया तू, भाभी का है? क्या हुआ, तू चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? चली गई, हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़कर दूर चली। सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, आते वो फिर नहीं आते। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
आंख धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जाती है सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लो बाबा प्रसाद ले लो, ले लो। अगर ये इश्तहार किसी तरह तुम्हारी नजरों से गुजरे तो फौरन मेरे पास चले आना, तुम्हें किसी अपने ने याद किया है, मोहन।
हुआ नरीना? चोर? नहीं, बदमाश नहीं, कमीने, लांगे। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं नहीं हूँ। चोर नहीं है मैं? अभी बताता हूँ। तेरी ये हिम्मत के मेरे घर में चोरी करने घुसाया? मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ूंगा। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कमीने कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। कमीने! ये चोर मेरे घर में घुसाया था, वो तो अच्छा हुआ भाई साहब के निर्मला की नजर पड़ गई, वरना ये चोर मेरे घर का सफाया कर दिया होता। जरा शक्ल देखिए, सूरत फकीरों की और काम चोरों की। देखिए देखिए जरा इसकी सूरत। आप इसे पकड़िए, मैं पुलिस को इत्तला करता हूं। आप देख क्या रहे हैं? पकड़िए इसे। चला गया था। आप इन्हें जानते हैं मोहन जी? जानता हूं जोशी साहब, यही तो मेरी खोई हुई दौलत है। ये मेरा यार है जिसे मैं परसों ढूंढता रहा। बहुत बरस पहले ही अपनी कंपनी में काम करता था, इसी घर में रहता था। ये तो गलती हो गई, सब कुछ भूल गया था और सब कुछ याद आ गया। तुम्हारा पता लगाने के लिए मैंने हिंदुस्तान के सारे अखबारों में इश्तेहार दिए। बड़े सही वक्त पे आ गए हो तुम, कल आते तो देर हो जाती है। कमल, तुम किस्मत पे यकीन करते हो ना? मैं अब तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं करता। जिंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई अपना नहीं, किसी को मेरी जरूरत नहीं। मोहन, तूने मुझे क्यों बुलाया? एक ऐसी खुशखबरी देने के लिए जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये लो। प्रिय मोहन जी, सबसे पहले खुशखबरी सुनिए। 7 फरवरी को एकता की शादी पक्की हो गई है। ये खत मैं अपने पति के कहने पर लिख रही हूँ। आपको ताज्जुब होगा और शायद नाराज भी होंगे कि मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया। जब मैंने कमल का घर छोड़ा था तब मैं मां बनने वाली थी। उस वक्त मैं अगर उसे बता भी देती तो शायद वो अपने होने वाले बच्चे को भी शक की नजर से देखता। आज तक ये राज मेरे माँ बाप और मेरे पति के सिवा कोई नहीं जानता था। आज आपको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये चाहते हैं कि शादी के शुभ अवसर पर एकता को अपने पिता का आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। चाहे कैसे भी हो, कमल का पता लगाकर उसे शादी में बुलाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रही हूँ। कमल से मिलने पे खत उसे पढ़कर सुना दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एकता को आशीर्वाद देने जरूर आएगा।
आपकी भाभी सुनीता। आज 7 फरवरी है, इसलिए मैंने कहा था अगर कल आते तो देर हो जाती। नहीं आता तो अच्छा होता, कम से कम किस्मत को मेरे साथ एक और मजाक करने का मौका तो ना मिलता। कमल वक्त बहुत कम है, जल्दी से तैयार हो जा, चलो मेरे साथ। नहीं मां नहीं, मैं उसके पिताजी को वचन दे चुका हूं कि मैं फिर से उसकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। कमल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, एकता को आशीर्वाद देने के लिए। नहीं मोहन नहीं, मुझ बदनसीब का आशीर्वाद उस मासूम के लिए अभी शाप न बन जाए जिस महान आदमी ने सबको जानते हुए सुनीता को सम्मान दिया, पराई बच्ची को अपना नाम दिया। मैं उसके सामने नहीं। कमल तुम बहुत सजा पा चुके हो, प्रायश्चित करने का ऐसा सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा, इसे हाथ से न जाने दो। तुम अब आ गए हो, सुनीता और हरीश कई बार पूछ चुके हैं तुम्हारा। सॉरी सर, जरा देर हो गई। नमस्ते हरीश जी। आइए मोहन जी, आइए आइए। माफ कीजिए, मैं भारत के स्वागत के लिए पहुंच नहीं सका। कोई बात नहीं, समझी से अब मिल लो। भाई साहब आप एकता के मामू। नमस्ते। मुबारक मुबारक, बहुत बहुत बधाई हो। मोहन जी आप अकेले? कमल मिल गए भाभी, आता ही होगा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ मोहन जी। एकता कहाँ है? हाय सिंड्रेला। हाय अंकल। अब आ रहे आप, मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। अरे अरे अरे, कम से कम आज के दिन तो संजीदा हो जा। व्हाई? क्योंकि आज तुम दुल्हन बनने वाली हो और हर लड़की शादी के दिन थोड़ा सा शर्माती है, लज्जाती है। वो सब पुरानी बातें हो गई अंकल। ये बताइए आप हमारे लिए तोहफा क्या लाए? आज जो मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ उसके सामने तुम्हारे सारे प्रेजेंट्स फीके पड़ जाएंगे। अच्छा जी, तो आप क्या हमारे लिए चांद सूरज लाए हैं? मैं जो लाया हूँ उसके सामने चांद और सूरज की कोई कमी नहीं। ऐसा क्या तोहफा? अब सुनीता पे तुम्हारा कोई हक नहीं, उसका नाम तक तुम्हारी जबान पे नहीं आना चाहिए। तुम यहां क्यों आए हो? क्या दुनिया के सामने ये जिताना चाहते हो कि एकता तुम्हारी बेटी है, ताकि जिस भले आदमी ने उसे पिता का नाम दिया, पाल पोस के बड़ा किया, वो सबके सामने एक तमाशा बन जाए? आज एकता की शादी है, क्या तुम चाहते हो कि उसके उमंग भरे दिल को सदमा पहुंचे, वो किसी के सामने सर ना उठा सके? तुमने सुनीता की जिंदगी बर्बाद की, अब उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करो। कमल जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ चले जाओ, चले जाओ यहां से। कन्यादान करके कन्या को आशीर्वाद दें।
मैं तो इन्हें कुछ और ही समझ बैठी थी, लेकिन इन्होंने मेरी जान बचाई डैडी। बेटे, इनके पांव छूकर इनसे आशीर्वाद लो। हाँ बेटे, ये तुम्हारे पिताजी हैं। नहीं नहीं बेटी, मेरे पाँव मत छू, मैं तेरा पिता कहलाने लायक नहीं, मैं तेरा कोई नहीं हूं, मैं किसी का कोई नहीं हूं। जीती रहो, सदा सुखी रहना। सीने से लगा के
जीवन का दुख मिट गया। आत्मा शांत हो गई। अब तो एक ही अभिलाष आशीर्वाद देकर प्रायश्चित करने आ रहा क्या? तेरा प्रायश्चित यही है मेरे दोस्त? तेरा शक तुझे खा गया। एक चिंगारी आग बनी और एक इंसान जल गया। आंख धोखा है क्या भरोसा है? आंख धोखा है क्या भरोसा है? सुनो दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम।